हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल शुभम। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। तो इस वोल्टेज रेगुलेटर को बनाने के लिए हमें बेसिक 3 कंपोनेंट की ज़रूरत है, जिसमें से हम लेंगे एक LM317 वोल्टेज रेगुलेटर, उसके बाद लेंगे हम एक पोटेंशियोमीटर, फिर हम लेंगे एक रजिस्टेंस जो कि होगा 220 ओम का, फिर हम लेंगे एक बैटरी जो कि होगी 24 वोल्ट की, और हमें आउटपुट चेक करने के लिए एक मोटर की ज़रूरत है, तो हम मोटर लेंगे एक। अब जानते हैं इसकी कनेक्शन कैसे करती है। जो बैटरी की पॉजिटिव पिन है वो कनेक्ट करेंगे हम LM317 के 3rd नंबर के पिन के साथ, और जो बैटरी की निगेटिव पिन है वो कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर के 3rd नंबर पिन के साथ, और जो एडजस्ट पिन है जो कि 1 नंबर की पिन होती है उसको हम पोटेंशियोमीटर के 1 नंबर के पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसकी वैल्यू हम 10 किलो ओम रख देंगे, और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम 220 ओम रख देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। फिर हमारे आउटपुट पिन है 2nd नंबर की, उसका कनेक्शन हम रेजिस्टेंस के 1st वाले पिन के साथ, और रेजिस्टेंस का 2nd नंबर की पिन हम पोटेंशियोमीटर के 3rd नंबर वाले पिन के साथ कर देंगे। अब जो पोटेंशियोमीटर मिडल पिन की कनेक्शन हम रेजिस्टेंस के साथ कर देंगे, फिर हम 2nd पिन को मोटर के 1st वाले पिन के साथ मतलब पॉजिटिव के पिन के साथ कर देंगे, और 2nd नंबर मतलब निगेटिव पिन को हम ग्राउंड पर कनेक्ट कर देंगे जो कि हमारा निगेटिव डायरेक्ट होगा। अब हम बैटरी की वैल्यू बढ़ाकर 24 वोल्ट्स कर देंगे, अब हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए DC वोल्ट मीटर लगाएंगे जो कि होगा इनपुट पे और आउटपुट पे भी होगा, जिसका पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव पर नेगेटिव के साथ कनेक्शन होगा। अब हम सिमुलेशन स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आफ्टर सिमुलेशन मोटर स्टार्ट हो गई है, अब हम इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं इस मोटर का RPM भी चेंज हो रहा है और वोल्टेज भी बढ़ रहा है जो कि मैक्सिमम 20 वोल्ट दे रहा है, क्योंकि इसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। और जब हम इसका वोल्टेज मतलब पोटेंशियोमीटर को हम कम कर देंगे तो इसकी आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाएगी, जो कि मिनिमम होती है 1.7 वोल्ट, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में। जैसे जैसे हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाई है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने जैसे पोटेंशियोमीटर को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो रही है और मोटर की स्पीड भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे मैं पोटेंशियोमीटर को कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं वोल्टेज भी कम होता जा रहा है, क्योंकि इसका मिनिमम वोल्टेज होता है 1.2 वोल्ट। इनपुट पे मैंने 24 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है तो इसका आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम जाएगा 19 वोल्ट तक। आप इसको 28 वोल्ट तक चला सकेंगे जो कि इसका रेटेड वोल्टेज है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।